अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपनी ईमान में रखे और जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि महर की नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप देख सकें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने बताया था कि कपड़े धुलाई करने हैं, तो वाशिंग मशीन मैंने बाहर निकाली और इतने से कपड़े धोए और लाइट चली गई। तो फिर मैंने सोचा कि वाशिंग मशीन को उठा के धो के अच्छे तरीके से अंदर कर दिए उसे मैंने और जैसे कि पता है सुबह वाले ये नाश्ते वाले बर्तन पड़े हैं अभी धोने वाले, मैंने कहा पहले मैं कपड़े धो लूँ। बच्चे जो है वो स्कूल गए हुए हैं लेकिन लाइट चली गई है, थोड़े से ये कपड़े हैं थोड़े से थोड़े वो भी लेके आए। सर्फ वाला पानी इसमें मैंने भिगो के रखे। जैसा कि आप लोगों को मैंने कल बताया था कि आलू लोबिया जो आलू रवा बोलते हैं या लोबिया बोलते हैं जो भी बोलते हैं, तो वो बनाना था फर्श धुलाई किया था लेकिन मैं थक गई थी, सालन नहीं बनाया था, चावल बनाए थे हम लोगों ने। तो आज कपड़े धुलाई करके तो उसके बाद हम सालन बनाएंगे दोपहर का खाना। पहले ये कपड़े धुलाई कर लूँगी उसके बाद धुलाई करती हूँ, क्योंकि ऊपर बादल भी हो रहे हैं। उठा के ना साइड में कर देती हूँ कपड़ा वाली चीज। ये पोछा इसलिए मैंने यहाँ रखा है, ये जूतों वाले जो पानी होते हैं किसी साफ हो जाते हैं, मैं घबराते भी नहीं जाते। अच्छे तरीके से मैंने साबुन लगा लिया और डंडे से इन बिचारों को आज मैंने मार मार के मैंने ये पहले मैं वाशिंग मशीन में कपड़े धुलाई करती हूँ और बेचारे कपड़ों को ना इस डंडे से मैंने धोए मार मार के मैंने अच्छे से साफ। डंडे से कभी धोनी है लेकिन कभी कभी धोने चाहिए, जब लाइट चली जाती है तो हाथों से भी धोने पड़ते हैं। पानी मैंने को और कपड़े भिगो दो इसके अंदर। अच्छी बात है ना, हाथ से भी धोने आते हो, कहीं हमें जाना भी पड़ जाता है वहां वाशिंग मशीन ना हो तो हाथ से तो कपड़े धुलाई करने आते हैं। नहीं तो आपका उसे जाकर मशीन लपड़ लग जाएगी, मशीन होएगी तो कपड़े धोवाए। कपड़े मैंने धुलाई कर ली है, बर्तन आ गए हैं। कपड़े भी गर्मी है तो डेली के ही होते हैं धुलाई करने का। बर्तन धो लेते हैं, बर्तन है नाश्ते वाले जो नाश्ता बनाया था मैंने कहा सबसे पहले कपड़े धोने उसके बाद बर्तन धोने, लेकिन सबसे पहले तो बर्तन ही धोने चाहिए थे, थोड़े दिन पहले मैंने कहा कपड़े धो लो फिर बाकी काम बाद में करते हैं। तो ये देखिए विवाद बर्तन मैंने धो लिए हैं, बोतलें मंगाई थी वो भी मैंने भर लिया और टब को भी अच्छे तरीके से धो लिया पूरे को भी। बर्तन हमारे फर्श को ये बर्तन उठा के अंदर रख देंगे, फिर सब्जी बनाएंगे दोपहर के खाने की, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अंदर चार पाई रखी है, बर्तन में वहाँ रखी है। देखिए आप सब्जी बनाएंगे, जो कपड़े मैंने धुलाई किए थे वो सूख गए और बारिश भी आने लग गई है। कपड़े उठाते उठाते मेरे भी कपड़े गीले हो गए थे, मैंने कहा मैं भी चेंज कर लूँ। देखिए बाहर बारिश आ रही है, बारिश भी दिखाई दे रही है।
अब बनाना स्टार्ट करेंगे हम सब्जी। सब्जी बना के तो जल्दी जल्दी हम ये बनाएंगे क्योंकि मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है। मुझे ये परेशानी हो रही है कि सिलेंडर में गैस भी नहीं है और बाहर चूल्हे पर बनाने का बारिश तेज नहीं हो जाए तो जल्दी जल्दी हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें डायरेक्ट बनाने लगी ये देखिए माशाल्लाह से मोटे मोटे दाने निकल रहे हैं। बहुत ही मज़े का बनता है ये आलू डाल के ऐसे ही दाने निकाल लेंगे सब इसके अंदर जो कच्चा होता है ना वो कट करके भी डाला जा सकता है। ये देखें ये मैंने निकाल ली है। बहुत ही मज़े की टेस्टी बनती है ये जैसे गोश्त बनाओ। निकलते ज़रा मुश्किल से हैं कोई बात नहीं मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ी सी आलू रह गए हैं वो बना रही है। सब कुछ मैंने बना लिया है तो अब इसको अच्छे तरीके से धो लेंगे। ये जो छिलके हैं उनको बास्केट में रख लेते हैं। सब कुछ मैंने अच्छे तरीके से धो लिया और कुकर में इंतजार कर रहा है कि जल्दी से मुझे सालन पकाओ। मेरे अब चूल्हे में आग जलाएंगे तो फिर बनाना स्टार्ट कर दें। देखें चूल्हा हमारा जल चुका है और ऊपर कुकर रख देंगे। प्याज डाल दी उसके अंदर घी डाल दो। ये देखें घी मैंने डाल दिया है। हल्के से ब्राउन कर लेंगे प्याज मसाला ये मैं बना रही हूँ। ये देखिए मैंने कहा जल्दी जल्दी बना लो बारिश का भी मौसम बन रहा है। ये देखें प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो गए हैं। अदरक और लहसुन का जो पेस्ट मैंने बनाया हरी मिर्च का वो भी डाल दिया मैंने। टमाटर का भी डाल दिया जिसे हम अच्छे से धोनी लगा लेंगे। जैसा कि कल अब मैंने फर्श धुलाई किया तो आज बारिश आ गई। ये देखिए अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने डाला था वो अच्छे तरीके से मैंने भून ली है। अब इसके अंदर हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे जिससे जरूरत इसे भी फिर अच्छे तरीके से नमक भी डाल देंगे तो सूखा धनिया और गरम मसाला है इसे मैं ब्रीक करके फिर ऊपर से डालूंगी ज़्यादा टेस्ट आएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है कबस हो गया है। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के अच्छे से धुलाई कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से अच्छे तरीके से ये भोली आ गई है। भून ली है मैंने मिर्चों को। ये देखें इसमें दाल रखवा सब्जी डाल देंगे इसके अंदर अच्छी तरीके से भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इस सब्जी को अच्छे से पानी लगा के ये देखिए अच्छे तरीके से पानी लगा ली है मैंने। इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी डाल के कुकर को बंद कर देंगे ताकि हमारा झटपट सालन रेडी हो जाए। शुक्र है आज मुझे धनिया मिल गया। ये देखिए शुक्र आज मैं धनिया डालूंगी सालन में। शुक्र अल्लाह का मिल गया। हरियाली हरियाली अच्छी लगती है। सबज सबज ऊपर डाला होगा। बड़ी मुश्किल से पता किया बाजार से भी मिला इधर से ही मिल गया। शुक्र आज इसे हमारा सालन है जो रेडी हो जाए। तब तक नहीं खोलना चाहिए जब तक ये गैस नहीं निकल जाए बाहर से। बेटा उतारा अभी मैंने। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मजे का बना। जो हमने मसाला ब्रीक करके रखा था सूखा धनिया और सफेद जीरा वो भी डाल देंगे इसे। शुक्र आज धनिया मिल गया वो भी डाल देंगे। अगर
पर जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि दिन को सालन बनाना था, लेकिन बारिश आने लग गई, पहले आंधी आई फिर बारिश आने लग गई, तो फिर थोड़ा सा मसला बन गया, इसीलिए मैंने फिर मैंने कहा चलो अभी बना लिया। देखिए अभी भी ऊपर बाद ना बारिश आने वाली, जल्दी से हमारी रोटी बन जाए बारिश आने से पहले पहले। पढ़ले पढ़ले बेटा, बिल्कुल रहमान सबर याद कर ले बेटा, तुरे मुझे भी दे पानी। ध्यान से सीधा, ये देखिए हमारा खाना जो है रेडी हो चुका है, बच्चे खा रहे हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बना। अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी बाइक खड़खड़िया कोई आ गई।